मिर्ज़ा इंजीनियर के रिसर्च पेपर 5A बनाम राबज़ियत नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा। इसका ऑपरेशन अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम कर रहे थे और बकौल मिर्ज़ा जी के कि मैं अहादीस की इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, तो इसी वजह से हमने मिर्ज़ा साहब के इन बातिल नज़रियात का ऑपरेशन जो है वो किया है। मिर्ज़ा साहब ने तीसरा उनवान जो इसके अंदर कायम किया, नासबियत का रद्द, यहाँ ये उनवान है नासबियत का रद्द चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ पर यह उनवान कायम किया है। मैंने इब्तिदा के अंदर तवज्जो दिलाई थी आप भाइयों को, नासबी जिन्हें असलन कहा गया है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को नासबियत की वबा से पाक रखा हुआ है। नासबियत की तारीफ पे जो पूरे उतरने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई आदमी भी पाया नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के जो सहूलतकार हैं काले वाले, वो हर अहले सुन्नत को नासबी करार देते हैं। ये वो हकीकत है जिसके हमने कई मरतबा दलाइल भी दिए मिर्ज़ा साहब के जवाबात में, और उस पर एक मुकम्मल वीडियो भी है कि नासबी कौन होते हैं। 17 सितंबर 2020 को ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। मिर्ज़ा साहब जो है इस उनवान के तहत कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ज़मन में चंद अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं, और इसको मुलाहिज़ा फरमाने से पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने पिछले उनवान में जिसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा राबज़ियत का रद्द अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा काबिल एहतराम, मैंने आप भाइयों को तवज्जो दिलाई थी कि मुहद्दिसीन के यहाँ राबज़ियत की तारीफ में एक ये चीज़ भी शामिल है कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तनकीस करना, तौहीन करना, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी हकीकतन राबज़ियत का रद्द करने बैठा है तो फ़ज़ाइल अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी बयान करेगा। मिर्ज़ा साहब ने हमारी नस्लों के ऊपर एहसान करते हुए ये कर दिया कि नुक्ता नंबर 4 के तहत मिर्ज़ा साहब ने एक सही बुखारी की रवायत दर्ज की है कि सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सी शख्सियत लोगों में सबसे अफजल हैं, तो उन्होंने फरमाया अबू बकर। मैंने पूछा उनके बाद, फरमाया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। फिर मुझे खदशा हुआ कि आप सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा फिर तो आप ही हैं। तो आपने बतौर इंकिसारी फरमाया मैं तो आम मुसलमानों में से एक आदमी हूँ। अब यूँ मिर्ज़ा जी ने, और जैसे कि मैं अमूमन कहता हूँ ये बात कि ये पम्फलेट्स मिर्ज़ा जी ने तो लिखे नहीं हैं, लेकिन चूँकि उनकी तरफ मंसूब हैं तो मजबूरन हमें भी जो है मिर्ज़ा जी का नाम लेना मजबूरी है। तो मिर्ज़ा जी ने यूँ जो है वो सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की फ़ज़ीलत में एक हदीस जिक्र कर दी, समझे मेरी बात। अब बहुत मुमकिन है मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के जो मुकल्लिदीन हैं वो तड़प जाएँ, फड़क जाएँ और कहें कि नहीं जी देखो बात ये नहीं है कि एक फजीलत बयान की, बात यह है कि बाकायदा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़बानी जो है ना उन दोनों हज़रात की जो है फजीलत को बयान किया, वो भी सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक से हदीस ही जो है वो बहुत होती है। तो हम कहते हैं कि फिर उसके बाद यानी तकरीबन 5 अहादीस सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत पर क्यों जिक्र किए, एक हदीस बहुत थी ना, नंबर 1, नंबर 2। कहने वाला कह सकता है नहीं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तौहीन और तनकीस तो वो एक मखसूस गुरु ही करता, बाकी तो सबका उन पर इत्तेफाक है। यही हम कहते हैं कि एक मखसूस ग्रोह जिसे आप नासबी कहते हैं, जो फिल वक्त तो नहीं है लेकिन आपके रद्दअमल में मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पैदा हो जाए, उससे पहले दुनिया के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत व मनकबत का मुनकिर हो। और हमने तो मिर्ज़ा साहब को बारहा चैलेंज दिया है, कोई आपको नज़र आता है आप उसका सामना नहीं कर सकते, हमें ले चलो हमारा उससे सामना करा दो, हम उसको जब तक सैयदना अली की फजीलत मनवा नहीं दें मतलब उठेंगे नहीं। लेकिन हो कोई ऐसी मखलूक हो तो मिर्ज़ा साहब हमारे सामने पेश करें ना, ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। तो अर्ज़ करने का मतलब है फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने 5 अहादीस सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत पर जिक्र की। फिर यार लोगों को ये वाले चुनने भी काट सकते हैं कि वो पलट कर ये कह दें कि जी बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत पर 5 हदीसें जिक्र कर दी तो आप इतना परेशान क्यों हो गए। नहीं, हम इस पर परेशान नहीं हुए,
ये तो खुशाइंद बात है, हम तो सिर्फ मिर्जा साहब की राजियत बताना चाह रहे हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। 5 या 100 हदीसें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत पे सही जिक्र की जाएं हमारे सर आंखों में, हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम तो पढ़ेंगे तो हमें अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन मसला सारा यह है कि हम ये कह रहे हैं क्या ऐसी बात है कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पे 1 हदीस और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत पे वो भी नहीं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पे 5 हदीस। तो असल में आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे थे? क्योंकि फजीलत अली को फजाइल खुल्फाए राशिदीन पे मुकद्दम करके दिखाना ये किसका तरीका है? ये राफिज़ियों का तरीका है।